नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास टेंथ के अंदर देखो अपने चैप्टर जो 8 है, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में तो पढ़ने से पहले हम इसकी टेबल के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति की टेबल कैसे बनाई जाती है। तो आज आपको मैं टेबल सिखा रहा हूँ, तो टेबल को कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि आपको जब तक टेबल नहीं आएगी तब तक आपके 8.2 प्रश्नावली आप नहीं कर सकते। तो आपको टेबल में मान निकालना आना चाहिए। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप पेपर हो तो पेपर में पहले से टेबल बना लेना। तो टेबल में ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, वो कैसे बनाई जा रही है मैं उसको सिखा रहा हूँ, आपको ब्लैक बोर्ड बता रहा हूँ, वैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से आप काउंटिंग लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 4 तक लिख देंगे। 0 से लेके 4 तक आपने गिनती लिख दी, क्लियर हुआ। अब आपको करना क्या है, पहले 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, फिर इसमें 4 का भाग देना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, 4 का भाग दिया। जो हमने संख्या लिखी थी 0 से 4 तक की, उसमें हमने 4 का भाग दे दिया। अब भाग देने पे आंसर क्या है, देखो 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आता है, इसका भाग होगा नहीं तो 1/4 ही रहेगा। ये देखो कट रहा है तो काट लो, 1/2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/2। ये कटेगा नहीं, 3/4, भाग देना नहीं है, केवल कट रहा है काट दो, भाग नहीं देना, पॉइंटों में नहीं निकालना। तो 0 में 0/4 तो 0 ही होता है, इसलिए 0 लिख दिया था। 1/4 का कुछ नहीं कटेगा तो 1/4 लिख दिया, 2/4 2 के पाड़े से कट के 1/2 आ गया, और 3/4 एक भी लिख दिया हमने, ये भी नहीं कट रहा, और 4 से 4 कट गए, इसका आंसर आ गया 1। अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है आपको, क्या निकालना है, वर्गमूल। अगले वाले स्टेप में हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल के सिंबल के अंदर लिख देंगे सबको, 0 का भी वर्गमूल करेंगे, 1/4 का भी वर्गमूल कर देंगे, 1/2 का भी वर्गमूल कर देंगे, और 3/4 का भी वर्गमूल करेंगे, और 1 का भी कर देंगे वर्गमूल, यानी वर्गमूल का सिंबल बना देंगे सबके ऊपर, कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, देखो 0 का वर्गमूल क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है तो 0 ही रहेगा, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 1/2 इसका आंसर है, यानी वर्गमूल जब इसका निकालेंगे, ठीक है, तो यानी 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, 4 का वर्गमूल आपके 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 1/2, 1 का वर्गमूल तो 1 अभी आपको मैंने बता दिया, और √2, 2 का कोई वर्गमूल नहीं है, पॉइंटों में नहीं निकालना, तो √2 ही रहेगा इसका। 3/4 है तो उसका तो √3 हो गया, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये आंसर है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 मान आया, ठीक है, ये सारे मान हमने निकाले। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऐसे काउंटिंग लिख के ये मान जो आया, ये सारा का सारा मान साइन का है, किसका है, साइन का है। अब साइन में कौन सी कितने डिग्री का है वो बता रहा हूं मैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, मिटा रहा हूं अब इसको मैं, अब आपको एक टेबल बना के बता रहा हूं। तो ये मान तो मुझे याद है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है, मैं तो लिख दूंगा इसका मान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ऐसे, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 ही मान आएंगे हमारे, ठीक है, या हम लिख देंगे साइन कोस टेन, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिख, कोस थीटा, फिर लिख दो एन। टेबल आपको बुक में दी हुई है, उसके हिसाब से अपन को करना है। फिर इसका आ जाएगा 4,
फिर आ जाएगा सेट और फिर आ जाएगा आपके साइन का कोसेक हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे इसको पचपन कर दो, यहां आ जाएगा आपके जीरो, यह आ जाएगा 30 डिग्री, यह आ जाएगा आपका 45 डिग्री, यह आपके आ जाएगा 60 डिग्री और यह आ जाएगा आपके 90 डिग्री, ठीक है। और यहां आप लिख देंगे थीटा, ठीक है, यहां हमने लिख दिया थीटा, ठीक है, यह मान है थीटा का। अब आपको क्या करना है, देखो पहला मान मैंने निकाल लिया था, वो मुझे याद है, पहला मान हमारे जीरो आया था, एक बटा दो आया था, एक बटा रूट दो आया था, फिर आपका आएगा रूट तीन बटा दो आया था और एक आया था। ये जो पहला मान हमने निकाला था वो साइन का था, किसका था, साइन का। तो साइन के मान लिख दिए जीरो, एक बटा दो, एक बटा रूट दो, रूट तीन बटा दो और एक लिख दिया। अब आपको कोस थीटा का मान निकालना है, तो कोस का क्या करना है, सेम उल्टा करना है, इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहां से पहले आप ये लिखेंगे वन, फिर इसका उल्टा हो जाएगा रूट तीन बटा दो, फिर यही आ जाएगा एक बटा रूट दो, फिर ये वाला आंसर आएगा एक बटा दो और आ जाएगा जीरो। तो देखो साइन का मान हमने निकाल लिया था, अब साइन का मान निकाल लिया तो जस्ट हमने इसका रिवर्स होता है, कोस थीटा का जो मान होता है साइन के जो भी मान होंगे उसके उल्टे हो जाएंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, कोस का मान आ गया। अब आपके पास में टेन की वैल्यू निकालनी, किसका मान निकालना, टेन का। तो टेन का मैंने देखो आपको सूत्र बता रखा है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन का मान। अब आपके साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो साइन के में कोस का मान का भाग देना आपको सीधा सा, तो आपको क्या करना है, साइन में कोस का भाग देंगे तो जीरो में एक का भाग देंगे, यानी साइन वाले मान में कोस वाले मान का भाग देंगे, तो जीरो में एक का भाग देने पे जीरो ही आता है इसका आंसर, क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो आप जीरो लिख देंगे। अब एक बटा दो में रूट तीन बटा दो का देना है, तो देखो एक बटा दो तो ऊपर है, नीचे है रूट तीन बटा दो, तो दो से दो कट गया, ऊपर बचा एक और नीचे बचा रूट तीन, तो ये लिख देंगे एक बटा रूट तीन। इसी प्रकार ये लिख देंगे, ऊपर नीचे है एक से एक कट गया, तो एक बटा रूट दो और एक बटा रूट दो, एक से एक कट गया, रूट दो से रूट दो कट गया, सब कुछ कट गया, एक आंसर आ गया, यहां पे लिख देंगे हम एक। ऐसे फिर हम आगे के मान और निकाल लेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, रूट तीन बटा दो ऊपर लिख लेंगे और इसी के नीचे लिख लेंगे एक बटा दो, दो से दो कट गया, रूट तीन बटा एक, इसका मतलब होता है रूट तीन, यहां लिख देंगे रूट तीन, ठीक है। अब आपको अगला मान निकालना है, तो एक में जीरो का भाग देना है, किसका भाग देंगे, एक में जीरो का, और अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ कि एक में जीरो का भाग देने पे क्या आता है, तो ये अपरिमेय यानी अनंत हल, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, तो हल नहीं है तो आप उसको वहां पे ऐसे सिंबल बना देंगे, अपरिमित है, ठीक है, अपरिमित है, इसको अपरिमित का सिंबल कहते हैं। तो यहाँ पे एक में जीरो का भाग देने पर कुछ भी आंसर नहीं आएगा, तो अपरिमित का सिंबल बना देंगे आप, ठीक है। ये आपका साइन कोस टेन आ गए। अब सारे के सारे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि सारे के सारे उल्टे होते हैं, कोट का मान सीधा टैन का उल्टा होगा, क्या होगा, टैन का उल्टा लिखना है आपको, कोट का मान याद आप पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, वही होगा, जैसे अपरिमित है तो सीधा रिवर्स लिख दो इसका,
यहाँ अपरिमित रूप से अनेकल वाला आ जाएगा सिंबल, फिर रूट तीन आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, फिर एक बटा रूट तीन आ जाएगा और जीरो आ जाएगा। तो देखो टैन का मान जब हमारे आ गया तो हमने कोट का मान निकाला, तो कोट का मान सेम उल्टा रिवर्स कर दिया हमने, तो साइन कोस टैन और कोट का आ गया। अब आप क्या आता है सेक और कोसेक का मान कैसे निकालना। अब सेक का निकालना है तो सेक क्या होगा, आपको पता है कि सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन सेक थीटा। तो इसका मतलब क्या करना है, जब आपको सेक का मान निकालना है तो कोस के मान को उल्टा लिखना है। तो यहां पे कोस का मान क्या दे रखा है, एक दे रखा है, तो एक उल्टा कैसे लिखोगे, तो पहले उसको भिन्न में बदल लेते हैं, एक बटा एक करके अब इसको उल्टा लिखेंगे तो एक बटा एक ही रहेगी, यानी एक क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर है एक। अब इसको उल्टा लिखना है तो देखो रूट तीन बटा दो है तो इसका उल्टा क्या होगा, दो बटा रूट तीन हो जाएगा। तो ये सारे मान क्योंकि तो कोस का सेक बनता है तो कोस वाले सारे उल्टे कर दो मान तो सेक के निकल जाएंगे, तो एक का उल्टा एक ही रहता है, रूट तीन बटा का दो बटा रूट तीन हो गया, एक बटा रूट दो है तो रूट दो बटा एक तो रूट दो ही लिख देंगे, इसका उल्टा दो बटा एक तो दो ही आ जाएगा, और जीरो बटा एक करेंगे हम और इसका उल्टा करेंगे तो एक बटा जीरो हो जाएगा, और एक बटा जीरो मैंने अभी बताया था अपरिमित होता है, तो यहां पर अपरिमित का सिंबल लग जाएगा। क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि हमने साइन का मान जो निकाला था वो उसका रिवर्स ही लिखा था, या तो आप रिवर्स लिख लो या सेम उसके उल्टा लिख दो, ठीक है। क्या हम साइन के उल्टे कर देते हैं, कोसेक निकालना है तो इसका उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा भी मैंने बताया था, जीरो बटा एक करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, एक बटा जीरो, तो अपरिमित आएगा, यहां पर अपरिमित का सिंबल लग जाएगा। अब इसको उल्टा करो, एक बटा दो तो दो बटा एक तो दो आ जाएगा, एक बटा रूट दो तो रूट दो आ जाएगा, रूट तीन बटा दो तो दो बटा रूट तीन हो जाएगा, और एक का उल्टा एक होगा। तो देखो क्या है यहां पे, देखो तो यही देख लो आप, सेक का जो मान निकाला कोसेक का मान सेम रिवर्स आया, जैसे हमने साइन से कोसेक का रिवर्स निकाला, किससे निकाला था, हमारे पास हमने साइन का मान तो निकाल लिया था, हमारा मेथड था, और आपको अगर मेथड तो समझना ही है नहीं आए तो साइन के पूरे मान याद कर लो और फिर इसका लिख दो। तो साइन का मान तो मैंने बता दिया कैसे निकलता है, कोस का मान सेम उसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे, टैन का मान क्या होगा, इस मान में इस मान का भाग देना है, उससे निकल जाएंगे सारे के सारे, कोट है वो सेम इसका रिवर्स होगा, सेक का मान कोस का उल्टा होता है तो कोस वाले के मान को उल्टा करना है, तो एक का उल्टा तो एक ही रहेगा, रूट तीन बटा का दो बटा रूट तीन हो जाएगा, एक बटा रूट दो का रूट दो हो जाएगा, दो का एक हो जाएगा और जीरो का अपरिमित हो जाएगा, और कोसेक का मान निकालना है तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे नहीं तो आप साइन के मान को उल्टा कर दो। तो ये आपको ऐसे टेबल बनाई थी, यानी ये रिवर्स से आ रहे आंसर। देखो तो साइन का मान तो आपका सीधा निकाल दिया मैंने तरीका, कोस का मान रिवर्स से आ गया, टेन का मान भाग से आ गया, भाग देने पे आ गया, कोट का मान रिवर्स से आ गया, सेक का मान उल्टा करने से आ गया, ठीक है, और इसको रिवर्स करने से आ गया। तो ये तरीका आप याद रख लेना कि कौन सा मान आता है, वैसे तो आपके तीन मान याद हो जाते हैं ये वाले, तो जो भी मान निकाले जाते हैं सारे उल्टे होते हैं, ये याद कर लो, जो भी मान निकालना है, मान लो हमने टेन का एक बटा रूट तीन होता है और कोट का आपको टेन तीस का मान एक बटा रूट तीन होता है, कोट तीस का निकालना है तो इसका उल्टा लिखना है आपको, तो आगे के तीन मान याद होंगे तो पीछे के तीन मान आप इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री को टेबल को कैसे बनाई जाती है इसको सीखना है, जब तक आप टेबल नहीं बनानी आएगी पेपर में कोई आपके वैल्यू नहीं दी भी आएगी, आपको पहले टेबल बना के पहले वैल्यू देखनी पड़ेगी, टेबल बना के रखनी है, फिर जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसमें से देख देख के करने, और नहीं तो आप उसके मान याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप टेबल बनी हुई होगी तो उससे गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। याद किए होंगे तो हो सकता कोई गलत भी मान लगा दो, तो टेबल आप पहले से बना के रख लो। अब मैं इसके एक दो क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, जिसे वो समझ में आ जाएगा। देखो हम इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.2 का ही है, 8.2 पूरी टेबल से। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है ये साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ये मान दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये आप क्वेश्चन दिया गया, इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये सारे के सारे जो आंसर है वो आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो टेबल के अंदर वैल्यू देख के जाओ और इसका मान लिखते जाओ। तो देखो साइन 60 का मान टेबल के अंदर हमारे क्या था, √3/2 का, ठीक है। कोस 30 का मान अगर टेबल में देखें तो साइन 60 का रिवर्स ही था, तो इसका मान भी √3/2 ही है। अगर कोस 30 का मान अगर आप टेबल में देखोगे तो √3/2 ही जाएगा। ऐसे ही साइन 30 का मान है टेबल में देखेंगे तो 1/2 होगा, और ये सेम इसका रिवर्स है तो 1/2 ही होगा इसका आंसर। तो देखो मुझे तो टेबल में से मान याद थे, आपको याद नहीं है तो टेबल की अच्छी से प्रैक्टिस करके टेबल में से देख देख के वैल्यू लगा देना। अब देखो ये दोनों आपस में गुणा होगी तो इन दोनों की गुणा कर दो, √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 की 2 से कर देंगे 4 आ जाएगा। प्लस का सिंबल लगा दो, 1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 2 की 2 से कर देंगे 4 आ जाएगा। नीचे लघुत्तम 4 ही आएगा, 3+1 कर देंगे 4/4, ये पूरा पूरा करके 1 आंसर है। क्या आ गया, 1 आंसर है, ठीक है। तो 4/4 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपका है 1 आंसर। क्लियर हुआ? तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो दे रखा है सेकेंड पार्ट 2 tan² 45 degree प्लस cos² 30 degree माइनस sin² 60 degree, ये आपको दिए गए 2 tan² 45 degree प्लस cos² 30 degree माइनस sin² 60 degree, ये मान आपको दे रखा है, ठीक है। अब हम इसका मान निकाल रहे हैं, 2 का तो 2 ही रहेगा, tan 45 का मान आपके 1 होता है, और ऊपर देखो घात 2 लगी है तो 1 के ऊपर घात 2 लगा देंगे। cos 30 का मान √3/2 होता है और इसके ऊपर घात क्या है, 2 है तो 2 लगा देंगे। sin 60 का मान आपके होता है √3/2, तो उसके बाद भी वही लगा देंगे, घात 2 लगा देंगे। तो 2 का तो 2 रहेगा, देखो 1 की घात 2 का मतलब 1 × 1, तो 1 ही होता है इसका आंसर। √3 के ऊपर घात 2 दे रखी है तो √3 को √3 से करते हैं 3 आ जाता है, और 2 को 2 से करते हैं 4 आ जाता है। ऐसा ही यहां पे सेम ही आंसर आएगा क्योंकि सेम ही वैल्यू दे रखे, ऊपर घात 2 दे तो 3/4 ही आएगा।
तीन बटा चार से तीन बटा चार आपका पूरा पूरा, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो जीरो हो गया, दो को एक से गुणा कर दो, दो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया देखो, वैल्यू पुट करी और इसका मान निकाल दिया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल आपको अच्छी तरह से सीख लोगे तो इसका मान निकालने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को दो या तीन बार आप रिविजन करना, फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू।